हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रिकी वाफेडी है। मेरे चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल का आइकन उसमें प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी मैं इसी टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसीलिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने फिर से एक बार एक इंडियन आर्मी का भर्ती लेके आया हूं। दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं 100% की प्रूफ के साथ ही वो वीडियो बनाता हूं। दोस्तों आप इंडियन आर्मी के लिए अगर इंटरेस्टेड हो तो इंडिया में जितना भी स्टेट है, जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, सभी स्टेट सभी डिस्ट्रिक्टों का लगभग इंडियन आर्मी का नोटिस आ चुका है। कब से रैली होगा, यानी कि कब से आपका इंटरव्यू होगा, वो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। कई सारी स्टेट्स का ऑनलाइन अप्लाई भी हो रहा है अभी, और कई सारी स्टेट्स का अभी भी ऑनलाइन अप्लाई होना बाकी है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी स्टेट्स का अभी भी ऑनलाइन अप्लाई चालू हो रहा है। मैंने इंडिया में जितना भी स्टेट है सभी स्टेट का लगभग वीडियो बना चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा, नहीं तो मेरी जो वेबसाइट है रिकी वाफेडी वेबसाइट, उस वेबसाइट में भी मिल जाएगा आप लोगों को। बहुत सारी स्टेट्स का, जितना भी स्टेट है सभी स्टेट्स का लगभग मैंने वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन जिस स्टेट का मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया उनका भी वीडियो बनाऊंगा, जब भी उसका नोटिस आएगा उसका भी वीडियो मैं तुरंत बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज का जो वैकेंसी है वो हरियाणा स्टेट का है, ठीक है, हरियाणा स्टेट का। तो दोस्तों, उसके बारे में सब कुछ आप लोगों को डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों उसमें आप लोगों का क्या क्या पोस्ट मिल रहा है। दोस्तों, आपको जनरल ड्यूटी का पोस्ट मिल रहा है, जनरल ड्यूटी का। उसमें आप लोगों को जो एज लिमिट मांगा जा रहा है दोस्तों, 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच में अगर आपका एज है तो आप जनरल ड्यूटी में जा सकते हो, ठीक है। और दोस्तों, 1 अक्टूबर 1998 से लेके 1 अप्रैल 2002 के बीच में अगर आपका एज है तभी आप जा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, आपका हाइट जो मांगा जा रहा है 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना पड़ेगा। अगर आप जीडी में जाना चाहते हो तो वेट आप लोग को 50 kg आपका वेट होना पड़ेगा। और दोस्तों, जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल चेस्ट होना पड़ेगा। और दोस्तों, 5 इंच आपका फैलाना होगा चेस्ट, ठीक है। और दोस्तों, परसेंटेज को लेकर बहुत सारे लोगों को मन में क्वेश्चन है। जो दोस्तों, अगर आप जीडी में जाना चाहते हो तो आपको 45% आप लोग का परसेंटेज होना पड़ेगा क्लास 10 में। अगर आप 10 पास कैंडिडेट हो तो आप लोग को 45% आपका परसेंटेज होना पड़ेगा, और एवरी सब्जेक्ट आप लोग को 33% होना ही पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप HS पास हो तब भी आप लोग को 33% एवरी सब्जेक्ट में होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप सोल्जर क्लर्क के लिए जाना चाहते हो, दोस्तों क्लर्क के लिए जाना चाहते हो तो आप लोगों को उसमें क्या मिलेगा, 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में मांगा जा रहा है। उसमें आप लोग को 1 अक्टूबर 1996 से लेके 1 अप्रैल 2002 के बीच में अगर आपका एज है तो जा सकते हो। उसमें आप लोगों का हाइट मांगा जा रहा है 162 आप लोगों का हाइट मांगा जा रहा है, और वेट 50 kg, चेस्ट 77 नॉर्मल, और 5 इंच आप लोगों को फैलाना होगा। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आप लोग एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को 10+2 यानी कि आपका हायर सेकेंडरी कंप्लीट होना पड़ेगा। अगर आप आर्ट्स की कैंडिडेट हो, कॉमर्स की कैंडिडेट हो, या साइंस की कैंडिडेट हो, कोई भी आप स्ट्रीम से हो तो आप उस पोस्ट के लिए जा सकते हो। लेकिन आप लोगों का परसेंटेज आप लोग को 60% होना पड़ेगा, और एवरी सब्जेक्ट आप लोग को 50% होना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो हरियाणा का जो वैकेंसी है उसमें 2 ही पोस्ट मिल रहा है आप लोग को, सोल्जर जीडी एंड क्लर्क। उसके अलावा आप लोग को कोई भी पोस्ट नहीं मिल रहा है। यानी कि दोस्तों, जैसे होता है दोस्तों, जैसे टेक्निकल और ट्रेडमैन, इस टाइप से कोई भी पोस्ट नहीं है, ठीक है, ये दोनों ही पोस्ट मिल रहा है आप लोगों को। उसके बाद दोस्तों, आप लोग को रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपके फादर वादर कोई भी अगर आपका नौकरी कर रहा है या वो रिटायर हो गया, आप लोग को रिलेशन सर्टिफिकेट है तो आप लोग उसकी वजह से आप लोग को हाइट में 2 इंच का छूट मिलेगा, वेट में 2 kg का मिलेगा, और दोस्तों चेस्ट में 1 इंच का आप लोग को छूट मिल जाएगा। और उसी टाइप से दोस्तों, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, अगर आप लोगों ने नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आपने खेला हुआ है, कोई भी अगर सर्टिफिकेट है, फर्स्ट या सेकंड पोजीशन होना पड़ेगा, वो जो भी सर्टिफिकेट है उसकी वजह से आप लोगों को सेम मिलेगा, 2 इंच का आप लोगों को हाइट में मिलेगा, 5 kg का आप लोगों को वेट में मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसका वेट थोड़ा कम ही होता है, इसीलिए 5 इंच का आप लोगों को छूट मिलेगा।
और दोस्तों चेस्ट में आप लोगों को 3 इंच का आप लोगों को छूट मिल जाएगा, ठीक है। यही है आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या क्या करवाया जाएगा, दोस्तों जैसे कि आप लोगों को रनिंग करवाया जाता है 1600 मीटर का, शायद आप लोगों को पता होगा। उसमें आप लोगों को 2 हिस्से में लिया जाता है, इसमें बोलते हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक है। तो दोस्तों ग्रुप 1 में आप लोगों का 5 मिनट 30 सेकंड के बीच में अगर आप आते हो तो आप लोगों को 60 मार्क मिलेगा, यानी कि आप लोगों को एक्सीलेंट माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर ग्रुप 2 यानी कि 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में अगर आप आते हो तो आप लोग का 48 मार्क मिलेगा, यानी कि आप लोग को क्वालिफाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को पुलअप्स मारने के लिए बोलेगा। आप लोग अगर 10 सेट लगाते हो तो आप लोग को 40 मार्क मिलेगा, अगर 9 सेट लगाते हो 33 मार्क, 8 सेट लगाते हो 27 मार्क, 7 सेट लगाते हो 21 मार्क और 6 सेट लगाते हो 16 मार्क मिलेगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप 10 सेट लगाते हो तो आप लोग को 40 मार्क मिलेगा, यानी कि आप लोग को एक्सीलेंट माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को 9 फीट का लॉन्ग जम्प होगा, इसी टाइप से एक गड्ढा होगा, उस गड्ढे में आप लोगों को 9 फीट का लॉन्ग जम्प लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जिगजैग बैलेंसिंग, यानी कि इस टाइप का एक लकड़ी देकर रखा होगा 2 फीट ऊपर, उसमें सिंपली से आप लोग को इस तरह से सरकर जाना है, कोई भी मुश्किल नहीं है, सभी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आप लोग को फिजिकल फिटनेस की बात, दोस्तों आप लोग को जो मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, दोस्तों मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है मैंने आप लोग को ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, दोस्तों क्या क्या आप लोग को देखा जाता है सब कुछ आप लोग के लिए वीडियो बना के रखा हुआ है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उस लिंक को क्लिक करके आप वीडियो को देख लीजिए, आपका मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रिटेन टेस्ट में क्या क्या होता है, इसी टाइप से सब कुछ मैंने बता के वीडियो बनाया है, यानी कि दोस्तों इंडियन आर्मी की रिलेटिव, इंडियन आर्मी या टेरिटोरियल आर्मी की रिलेटिव कोई भी जानकारी आप चाहते हो, यानी कि दोस्तों डिफेंस का कोई भी अगर वीडियो चाहते हो ना, फिजिकल क्या क्या होता है, ग्राउंड में किस तरह से रनिंग कराते हैं, ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करते हैं, सब कुछ वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ दोस्तों, ये रैली कहाँ पर होगा, ठीक है। दोस्तों ये हरियाणा में होगा, ये रैली हरियाणा कहाँ पर होगा वो दोस्तों, जो आर्मी रिक्वायरमेंट ऑफिस है वो है सारखी ददरी हरियाणा, ठीक है। दोस्तों आर्मी रिक्वायरमेंट रैली एट द राव तुलाराम स्टेडियम रिवारी हरियाणा, ठीक है। ये दोस्तों जो नज़दीकी हरियाणा कैंडिडेट्स है उन लोगों को शायद पता होगा ये, ठीक है। और दोस्तों जो ये आप लोगों को रैली होगा, ये रैली होगा दोस्तों 20 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में होगा, यानी कि दोस्तों जो ऑनलाइन अप्लाई होता है ना दोस्तों, वो ऑनलाइन होता है 21 मई से लेके 4 मई तक ऑनलाइन, 4 जुलाई तक आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई चलेगा उसी की, यानी कि दोस्तों आपका ऑनलाइन अप्लाई ऑलरेडी चालू हो चुका है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इसमें सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट जा सकते हैं, यानी कि दोस्तों सारखी ददरी, यानी कि ये सारखी ददरी जा सकते हैं, रिवारी जा सकते हैं, वाई वानी जा सकते हैं, महेंद्रा गर जा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये सारा जो डिस्ट्रिक्ट है, ये सारा डिस्ट्रिक्ट ही इस रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और दोस्तों जो अदर डिस्ट्रिक्ट है उनका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ सॉरी अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करते हैं, रजिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं, सबका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिए एक बार, देखकर आप खुद अपने मोबाइल में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साइड में जो बेल का आइकन है उसमें प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी मैं इसी टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।